हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपको एक बुक के बारे में बताने जा रही हूँ। इस बुक का लिंक मैं आपको दे दूँगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके पास वो बुक आ जाएगी। तो ये बुक मेरे पास थी, मैं इसको यूज़ करती हूँ और मुझे पसंद है ये बुक। तो मुझे लगा कि मुझे अच्छी लगती है ये बुक और ये एक अच्छी बुक है, तो मैं अपने दोस्तों से भी उस बुक को शेयर करूं ताकि वो भी इस बुक को यूज़ कर सकें। और आई होप आपको भी पसंद आएगी। अगर पसंद आए, अगर आपको लगे कि इसका जो कंटेंट है, इसे जो टॉपिक्स दिए हुए हैं आपके ज़रूरत के हैं, तो आप डाउनलोड करें, वो आपकी मर्ज़ी है। मेरा बस काम था कि मैं आप लोगों को ये चीज़ दूँ ताकि आप डाउनलोड कर सकें और उसका यूज़ कर सकें। तो ये बुक है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स दिए हुए हैं और हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप देखिए, ये बुक स्टार्ट है लाइफ साइंसेस फंडामेंटल्स एंड प्रैक्टिस फर्स्ट। तो देखिए, यहाँ फर्स्ट लिखा है, तो इस बुक का टू पार्ट है, ठीक है। ये पहला पार्ट है जिसे चैप्टर 6 तक दिया हुआ है और इसका एक सेकंड पार्ट भी है। तो मैं किसी टाइम कोई और दिन आपसे सेकंड पार्ट भी इसका शेयर करूँगी। तो ये फर्स्ट पार्ट है और लाइफ साइंसेस का ये 5th एडिशन है। इसके जो राइटर है प्रमोद कुमार है और उषा मीना जी हैं, और इसके जो पब्लिशर हुआ पाथफाइंडर पब्लिकेशन है। ये राइटर्स हैं और ये बुक यहाँ से स्टार्ट होती है। देखिए, यहाँ से कंटेंट इसका दिया हुआ है। तो चैप्टर फर्स्ट में आपको बायोमॉलिक्यूल्स एंड कैटालिसिस मिलेगा, जिसमें आपको अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन, स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, ये सब चीज़ों के बारे में दिया है। तो जो पहला चैप्टर है इसका, बायोमॉलिक्यूल्स एंड कैटालिसिस है, तो उसमें आप देख सकते हैं बहुत से अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे कि न्यूक्लियोटाइड्स, चार गैप रूल, ये RNA हो गया, ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये लिपिड्स हो गए, ये विटामिन्स हो गया, एंजाइम्स हो गए, इस तरीके से दिया हुआ है। इसके बाद जब आप चैप्टर 2 में आएंगे तो उसमें बायोएनर्जेटिक्स, एनर्जेटिक्स एंड मेटाबॉलिज्म आपको मिलेगा। बायोएनर्जेटिक्स, मेटाबॉलिज्म, रिस्पिरेशन, एरोबिक रिस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, पाइरोइड ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल, ये सब चीज़ें आपको चैप्टर 2 में मिल जाएंगी। लाइट रिएक्शन हो गया, स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हो गया, या प्रोकैरियोटिक सिंथेसिस फोटोसिंथेसिस है, तो इस तरीके से या फोटो रिस्पिरेशन 2.8 पे या 2.9 पे आपको कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म दिख जाएगा। इसके बाद हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर 3 आपको मिल जाएगा, जिसमें सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि सेल स्ट्रक्चर फंक्शन वाले लेसन में सबसे पहले दिया हुआ है दोस्तों, ये है सेल, व्हाट इज ए सेल। फिर इसके बाद इस यूकैरियोटिक सेल के बारे में दिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एबीओ ब्लड ग्रुप है, या फिर मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, या फिर राइबोसोम से, या गॉल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, वेसिकल फ्यूजन, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ब्लास्टिस, और इस तरीके से दिया हुआ है। इसमें देखिएगा आप लास्ट में आपको क्या मिलेगा, लास्ट में दिया है एपोप्टोसिस एंड कैंसर। फिर चैप्टर 4 में आप आ जाएंगे तो आपको मिल जाएगा प्रोकैरियोट्स एंड वायरसेस। इसमें जनरल फीचर्स है प्रोकैरियोट्स के, फाइलोजेनेटिक ओवरव्यू, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया सेल्स, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। फिर धीरे धीरे जब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो देखेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है, आर्कियोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया टॉक्सिन्स, और एनिमल वायरसेस, प्लांट वायरसेस, विरियर प्रियॉन्स, बैक्टीरिया वायरल डिजीज, बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। इसके बाद चैप्टर 5 में आ जाएंगे तो इसमें इम्यूनोलॉजी से है, ये इसमें इननेट इम्यूनिटी है, एडेप्टिव इम्यूनिटी है, सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम है, और इसके आगे आप आओगे तो आपको एंटीजेंस मिलेगा, या इम्यूनोग्लोबिन्स मिलेंगे, या बी सेल मैच्योरेशन एंड एक्टिवेशन मिलेगा। इस तरीके से बहुत सारे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। लास्ट में आपको वैक्सीन मिलेगा। इसके बाद हम चैप्टर 6 में आएंगे तो चैप्टर 6 में दिया हुआ है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। इसमें आपको टैक्सोनॉमी मिल जाएगा, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, आगे आएंगे तो 5 किंडर सिस्टम, प्रोटिस्ट, प्लेंटी, फंजाई, एनिमलिया, एनिमलिया क्लासिफिकेशन। तो कुल इस पार्ट 1 में, लाइफ साइंसेस के पार्ट 1 में आप देखेंगे कि कुल चैप्टर 6 दिए हुए हैं और सबके नाम मैंने आपको बताया, उसमें क्या क्या कंटेंट्स ये मैंने आपको बताए। और अगर आपको पसंद आएगा तो आप डाउनलोड करिएगा, आपको ज़रूरत होगी अगर इन कंटेंट्स वगैरह की तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया, इसमें बायो मॉलिक्यूल्स एंड कैटालिसिस दिया हुआ है। फिर धीरे धीरे आगे आएंगे तो आप देख लीजिएगा किस तरीके से में दिया हुआ है। तो इसमें जो भी टॉपिक है उसके बारे में जैसे भी डिफाइन किया गया है, अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है, और बहुत ही टफ लैंग्वेज नहीं है, अच्छी लैंग्वेज है, सिंप्लिसिटी से डिफाइन किया गया है। तो आपको, आप खुद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कैसी दी हुई हैं इसमें। मैं तो आपको मेरी बातों से इतना समझ में नहीं आएगा जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे इसको, और आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें दिया। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट है, देखिए मोनोसैकेराइड्स, इस तरीके से इसमें दिए हुए हैं।
पॉलीसेकेराइड्स है, एंजाइम्स है, एंजाइम का लॉक एंड की सिस्टम दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप लॉक एंड की मॉडल है ये एंजाइम्स का। तो आप नीचे आप स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी मैं एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर हम और नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ से चैप्टर सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन शुरू हो गया है। व्हाट इज सेल, इसके आगे देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया हुआ है, लिपिंग बाय लेयर देखिए सब दिए हुए हैं अच्छे से इसमें फिगर के साथ। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है सॉरी। देखिए ये क्या दिया हुआ है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, अच्छे से शो किया गया है। सेल जंक्शन है, सेल साइकिल है। तो इस तरीके से दिया हुआ है और ये पेड रिव्यू नहीं है, मेरा खुद का रिव्यू है। और आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करें। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।